यह है यूके इमीग्रेशन वास्ते जिदे साढ़े पंजाबी चाहवान है बच्चे सियाने भी जो यूके जाना चाहते हैं शक वो विजिटर वीजे होए वर्क परमिट बेस से होए जी नियमित स्कीम जब इनोवेटर शुरू किया गया है यूके सरकार ने एडवाइस पास ली सी। देखो जी यूके सरकार पॉलिसियां इस पास निकलिया है बिकॉज दो साल पिछले ब्रैक्सिट के बाद साढ़े उत्थे काम की बड़ी घाट हैगी जी वर्क फ्लो से जो यूरोप आ रही थी यूके बंद हो गई सी फ्री मूवमेंट जिन्होंने कहते हैं सो उसके बाद जिन्नी भी स्किल्ड लेबर से उन्होंने एक रास्ता से आन वास्ते मगर वास्ते स्पॉन्सर जो यूके है उन्होंने अपना लाइसेंस अप्लाई करा के बाहरले मुल्कों चु अपने स्किल्ड वर्कर्स लैके आ सकते जिदा हलवाई शेफ्स कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए मैनेजमेंट रूप हो गए अकाउंटेंट्स वकील्स डेंटिस्ट डॉक्टर्स केयर वर्कर्स तक भी हुण होया कि हैगा रश तो हुण हौली हौली पैन लग पिया यूके आने वास्ते उत्थे लोगों को लोड़ भी हैगी है मगर गाइडेंस सही नहीं मिल रही है। तो आप हुण यही ज़्यादा देखिया कि यूके बच्चे बहुत यूके जा रहे हैं जिते कई बार नकली स्पॉन्सर भी तैयार करा के लोग आ रहे हैं बड़े काम नहीं मिलता है खर्चे वधन लग पे है इनफ्लेशन महंगाई वधी हैगी यूके सो इशूज़ यही पै रहे हैं सही गाइडेंस तो सही स्पॉन्सर कित्थों मिलोगे। सो मकसद मेरा तो इतने मेन है यूके मैं वकील हैगा यूके मैं रहा है ये दिक्कत जो प्रॉब्लम जो फेस होंगे साढ़े पंजाब में सानू डे टू डे दस रही है सो गाइडेंस जो हैगी सही कई बार पंजाब नहीं मिलती बिकॉज इतने भी कंसल्टेंट्स कई बार जो बाहर भेजते आप खुद नहीं गए होंगे खुद उत्थे बाहर के हालात का नहीं पता होंगे है तो वो वास्ते बेशक को विजिटर वीज़ा होए वर्क परमिट होए डिपेंडेंट वीजे का भी होती जानकारी बहुत जरूरी है। हम आप कई बार देखते हैं पंजाब जो रिश्ते भी है आप मुंडे कुड़ी भेजते हैं वो रिश्ते करते ही इसे बेसते हैं कि कुड़ी जाऊगी तो नाल मुंडा भी चल जूगा सो यह सारी चीज़ा एक नैगेटिव इंपैक्ट पै रहा है स्पेशली जो ना होंगी हैगी तो हम इतने तक मैं सुन आया है इतने जो एजेंट है रकम भी बहुत बड़ी करना पे है सो एजेंट बेशक अमीर हो जाते हैं तो साढ़े बच्चे उत्थे जाके गरीब ही हो जाते हैं। चीज़ा यूके जाके कोई छेती सैटलमेंट कला वीज़ा कोई नहीं है कोई वीज़ा के तुम लें यूके जाके तो लगातार पांच साल काम करना पैंता है तो अगर तुम लगातार पांच साल काम करते हैं वह भी कानूनी तौर पर वो बाद थोड़ी उम्मीद हैगी है पी आर लैन वास्ते अगर तुम विजिटर वीज़े जाके कहोगे मैं स्विच होगा वो मना है अगर तुम क्या उत्थे जाके मैं स्टूडेंट जाके मैं अपने वर्कमैन स्विच करा उन्होंने मना है अगर तुम क्या उत्थे जाके मैं वर्कमैन चल जावा पर उत्थे जाके मैं काम ना करा जल्दी मेरी स्पॉन्सर मिली सी मैं ओली काम ना करा उस भी तुम्हें पी आर नहीं मिलनी हैगी पी आर सिर्फ त मिलनी हैगी है जिसे स्पॉन्सर तुम जाके रहने ओली तुम लगातार पांच साल काम करते हैं पर वंस अगेन दिक्कत यह पीती हैगी है सू कई सिर्फ बहाना चाहिए बाहर जाने वास्ते पर उत्थे कानून शर्त हम इन सख्ताई हो चुकी हैगी है जो पूरी नहीं कर पाओगे तो फिर ना होनी है तो बहुत बच्चे अज के वक्त यूके जाके ओवरस्टे हो चुके हैं तो एक बड़ी ओवरस्टे हो जाने फिर जो बीस साल कट्टोगे उत्थे जी उत्थे किसी यूके की कुड़ी या मुंडे का विह करा के बच्चे के बेसे पी आर लोगे उस तो बगैर तो उन्होंने मुश्किल पेगी स्पेस इमीग्रेशन हूँ 15 साल तो उपर हो गए इतने सैट हो सा मेन मकसद की सी जिस लोगों ना होंगी हैगी साड़ी कंपनी का ना भी है एक्सप्रैस इमीग्रेशन अपील सर्विसिज सो मैं आप कई बार देखे लोगों जब ना होंगी उन्होंने यही पता कितने जाइए सो सा मेन मकसद हमेशा रहा है कि तुम्हें बाई चांस ना हुई है रिफ्यूजल हुई है बैन लगा है तो तुम्हें यही पता मैं कितने जावा बिकॉज यूके के वकील के रूप में मैंने तो यूके अपील हाईकोर्ट तक जाने का हक है सो अगर तुम्हें विजिटर वीजे ना हुई हैगी बेशक चिट्ठी लिखा गया नो राइट ऑफ अपील नो एडमिन रिव्यू आप फिर भी हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं मगर जिन किसी ना होंगी है तो अगली बार जिन्हें अगर हाँ करवा भी देंगे है लोग तो फिर यही कहें साढ़े बाकी के वीजे करवा दें सो उस सर्विस हम विजिटर वीजे वर्क परमिट्स स्पेशली केयर वर्कर सो अज भी तुम देखोगे साढ़े को यूके केयर कंपनियां आई हैं जो डायरेक्टली भर्ती कर दी है ना ना अगर देखिए डिपेंडेंस स्टडी वीजे किसी ने विह शादी यूके किया है अगर वो जाना चाहते हैं सो जिन्हें भी कानूनी तौर पर नवी पॉलिसियां निकल रही यूके सरकार वालों आप सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। हेलो सत श्री अकाल दोस्तों मैं जी थोड़ा अपना इंदी रंधावा बिजनेस फाइनेंस एडवाइस वालों असी जी अज एम के होटल आए हैं जी
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨੋਵੇਟਰ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪਾਲ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਵੋ। ਹੈਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਰੀਸਰਚ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਲ ਸਲਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਰੀਸਰਚ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ।